दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इंडियन एम्बेसी के अंदर जो सेलिब्रेशंस होती हैं फॉरम के अंदर, उसको कैसे पाकिस्तानी डिस्टर्ब करते हैं। 15 अगस्त 2020 को 300 के आसपास इंडियंस इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर खड़े हुए, असेंबल हुए। वो सेलिब्रेशन करना चाहते थे इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को। रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए, बच्चे आए थे, बुजुर्ग लोग आए थे, साथ में कुछ महिलाएं आई थी जो यहां पे अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेके आए और वहां पे वो डांस गाना करने लग गए। पहले उन्होंने इस चीज की परमिशन ली थी वहां पे सेलिब्रेशंस करने की, यानी कि लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के उन्होंने सारा काम किया। इसी के बीच में कुछ पाकिस्तानी इंडियन हाई कमीशन के आसपास असेंबल होने शुरू हो गए और उन्होंने स्लोगन शाउट करने शुरू कर दिए। उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, करीब करीब 5,000 के आसपास पाकिस्तानी वहां इकट्ठे हो गए। ये कुछ लोग पाकिस्तान एम्बेसी से डायरेक्ट आए थे, कुछ लोग वहां पे मदरसों से इकट्ठे होकर आए थे और इनको आने के लिए पैसे दिए जाते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी भी देती है और मदरसे के थ्रू पैसे दिए जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी दी जाती है। इन्होंने पूरी कोशिश की वहां पे जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे थोड़े से इंडियन, उनको डिस्टर्ब करने की। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की ताकि ये इंडियंस को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि ये जो लोग असेंबल हुए थे इलीगली असेंबल हुए थे, इन्होंने इसके लिए भी परमिशन भी नहीं ली थी। इनके साथ साथ कुछ खालिस्तानी भी इकट्ठे हो गए। इन लोगों ने जो इंडियंस थे वहां पे उनको गाली गलौज करनी शुरू की, बदतमीजी करनी शुरू की, हिंदूस को गाली देनी शुरू की और साथ में इंडियन एम्बेसी के हाई कमीशन की जो बिल्डिंग है उसको डैमेज करना शुरू किया। उसके बाद रॉयट पुलिस को बुलाया गया कंट्रोल सिचुएशन करने के लिए और रॉयट पुलिस ने आकर के यहां पे सिचुएशन को कंट्रोल किया और कुछ लोगों को पकड़ के ले गए। साथ में इस पीरियड के अंदर कुछ जो बच्चे और लेडीज थी वो इंजर्ड भी हो गए जो इंडियंस थे। एक लॉर्ड नजीर हैं, लेबर पार्टी के एमपी, ये पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं और ये यहां पे लंदन में मेयर थे इनके कुछ महीने पहले या एक आधा साल पहले। ये भी वहां पे आए और लोगों को उकसा रहे थे। ये भी कहा जाता है कि डेवी अब्राहम लेबर पार्टी की जो एमपी है उसका भी आने का यहां पे प्लान था। ये डेवी अब्राहम वही है जो कुछ महीने पहले इंडिया में आना चाहती थी, इनके पास लीगल वीजा नहीं था लेकिन किस तरीके से इंडिया एंटर करना चाहती थी, एयरपोर्ट पे पहुंच गई, इनको इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। ये पाकिस्तानियों की पेरोल पे है और ये आना चाह रही थी इंडिया में आकर कश्मीर के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, क्योंकि ये कहती है मैं ह्यूमन राइट्स की एक बड़ी एक्टिविस्ट हूं। लेकिन जो डेवी अब्राहम है ये कोई एक्टिविस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान से पैसे लेकर के इंडिया में आ रही थी और अगर इसको कहा जाए कि आप पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के ऊपर बोलो तो कुछ नहीं बोलेगी। अगर आप ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं तो आप हर एक कंट्री के खिलाफ जो वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है उस पर बोलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर रेगुलर ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, वहां पे हिंदूज को मारा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, फोर्सफुली अब्डक्ट किया जाता है, क्रिश्चियंस को उठाया जाता है, सिखों को उठाया जाता है, लेकिन डेवी अब्राहम जैसे लोग वहां कुछ तो कुछ नहीं बोलते। इस टाइप की जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ये रेगुलरली काफी इंडियन मिशंस के आसपास होती हैं फॉरेन के अंदर और पाकिस्तानी जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं उनके पास कोई काम धंधा है नहीं, या तो वहां पे इलीगल आए होते हैं या ये छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं, डेली वेजेस पे लगे होते हैं, तो उसलिए इनको आना आसान है। या कोई टैक्सी ड्राइवर होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि पाकिस्तानी कोई इंजीनियर नहीं है फॉरेन के अंदर या पाकिस्तानी कोई डॉक्टर भी नहीं है। दूसरी तरफ जो इंडियंस हैं ये डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं और ये आईटी में काम करते हैं, तो इनके लिए एक बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगह में वल्गर सिचुएशन से कहीं डिमोन्स्ट्रेशन करना है या उनको फेस ऑफ करना है। अच्छी अच्छी सैलरी लेते हैं इंडियंस और साथ में व्हाइट कॉलर जॉब में इन्वॉल्व है। जहां तक पाकिस्तान के लोग हैं ये देखा जाए तो सड़क छाप लोग हैं, इनसे एजुकेटेड आदमी भिड़ना पसंद नहीं करेगा। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो हमारे फॉरेन मिशन के अंदर बाबूज बैठे हैं इनका एटीट्यूड बड़ा कैजुअल है। अगर ये और एक्टिव हो तो ऐसी सिचुएशन हमेशा अवॉइड की जा सकती है। इनको चाहिए कि जो भी वहां पे पाकिस्तानी से अगर इकट्ठे होते हैं तो उन गवर्नमेंट को फोर्सफुली बात करें कि इनको हटाया जाए, इनको यहां पे डिमोन्स्ट्रेशन ना करने दिया जाए। लेकिन मोस्टली इस चीज को बड़ा कैजुअली लेकर के एक पेपर वर्क करके पीछे बैठ जाते हैं। जहां तक खालिस्तानी की बात है, जितने भी बाहर में खालिस्तानी हैं ये यहां से भाग के गए हैं इलीगल तरीके से इंडिया से और वहां जाकर के ये गुंडागर्दी के सिवाय इनको कुछ नहीं आता। इनके पास मोस्टली या तो इलीगल तरीके से ठहरे हैं या इनके पास कोई वीजा वगैरह नहीं होता और इनके पास कई बार पासपोर्ट भी नहीं होते इंडियंस को। इंडियन गवर्नमेंट को पूरा चाहिए या इंडियन जो मिशन में लोग बैठे हैं उनको चाहिए ऐसे लोगों के बारे में प्रॉपर डोजियर्स बनाए
उनकी चीज पूरी रिपोर्ट करे और उनके साथ पूरी रिपोर्ट अपने फॉरन ऑफिस में भेजे। कुछ केसेस में भेजा जाता है फॉरन ऑफिस में, एमईए के अंदर फॉरन ऑफिस से उसको भेजा जाता है, एक ड्यूटी लगी होती है बाबू उसकी, उसको जाके होम मिनिस्ट्री को भेजने को, उसमें कुछ लोग चूक करते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री में बैठ करके बाबू इसके फाइलों के ऊपर बैठ जाते हैं। एक वैसे भी लंबा प्रोसीजर है, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एमईए की जो लोकल मिशन है उनको एम्पावर किया जाए कि जो लोग इस टाइप की राइटिंग करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनको वहीं के वहीं ब्लैकलिस्ट किया जाए और उनको कोई भी फैसिलिटी ना दिया जाए। अगर इंडियंस हैं, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, तो उनको पासपोर्ट का रिन्यूअल के लिए मना कर दिया जाए कि उनको तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा, ब्लैकलिस्ट में डाला जाए। और बाकी जो इंडियंस हैं, अगर वो वहां की लोकल दूसरी नेशनलिटी ले चुके हैं, तो उनको एकदम ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए ताकि वो इंडिया में वापस नहीं आ सके। और मैं दूसरी बता दूं, क्योंकि इनके जो लोग हैं जो भी वहां खालिस्तानी बैठे हैं या दूसरे भी जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, इनके रिश्तेदार भी यहां बैठे होते हैं, तो इनको इंडिया कहीं ना कहीं आना होगा। अगर ये ब्लैकलिस्ट में होंगे, इनके कोई रिलेटिव को अगर फॉरेन में जाना होगा, तो इनकी जो रेफरेंस है उसको नहीं माना जाएगा, उसको हमेशा इंडियन जो है, इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर एक नकेल कस सकती है। यही उम्मीद करते हैं कि हमारे बाबूस और हमारे होम मिनिस्ट्री में जो बैठे बाबू या एमईए बैठे बाबू हैं, वो इस चीजों पे प्रॉपर एक अटेंशन देंगे ताकि इंडियन मिशन के आसपास जो ऐसी गड़बड़े होती हैं वो ना हो पाए, और ताकि हमारे जो लोग बाकी हैं इंडियंस वो पीसफुली रह सकें, पीसफुली बार डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें। यही कहूंगा, जय हिंद जय।